kilometers per hour. दोस्तों, भारतवासियों के लिए एक बुरी खबर है, सचेत हो जाए और हमारे सियासतदार हिंदू मुस्लिम में लगे रहेंगे, फूट डालो शासन करो करेंगे, लेकिन चाइना ने बुलेट ट्रेन चलवा दिया। बुलेट ट्रेन चलाना कोई बुरी बात नहीं है, सभी राष्ट्र अपने उत्कर्ष के लिए, अपने देशवासियों के लिए, प्रगति के तमाम इस तरह से अनुसंधान करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसे अमल में लाते हैं। लेकिन चाइना ने जो बुलेट ट्रेन चलाया है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूरगामी और दूरूह क्षेत्र में, पहाड़ और पठार के क्षेत्र में, अरुणाचल की सीमा तक। अरुणाचल हमारा प्रदेश है, हमारे देश का एक प्रदेश है अरुणाचल, काफ़ी खूबसूरत है, पहाड़ हैं और नदियां हैं, जंगल हैं, ऐसे अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक उसने बुलेट ट्रेन दौड़ा दिया है। ट्रेन चलने लगी है, ट्रेन से यात्री भी जाएंगे और ट्रेन से माल भी ढोली जाएगी, ट्रेन से हथियार आएगा हमारी सीमा तक, ट्रेन से खाद्य सामग्री आएगी और ट्रेन से, बुलेट ट्रेन से उसके सिपाही आएंगे हथियारों से लैस होकर, और हम आराम की नींद सो रहे हैं। दोस्तों, इस खबर के बारे में हम बताएंगे, उसके पहले आपने देखा है ट्रेन चलते हुए किस तरह से यह बुलेट ट्रेन द्रुतगामी तरीके से चल रही है। दोस्तों बताते हैं, यह पहली बुलेट ट्रेन है चाइना की जो भारत की सीमा तक, जो चाइना की राजधानी है ल्हासा से निंगजी तक चल रही है यह ट्रेन, और इसकी दूरी काफ़ी दूरी और कम समय में तय कर रही है। हमारी जो ट्रेनें हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने देश को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन यह ज़रूर कह रहे हैं कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, हमारे देश के जो इंजीनियर हैं, हमारे देश के जो सियासतदार हैं, जो सत्ता की कमान जिनके हाथों में है, उनके लिए यह शोचनीय विषय है और प्रत्येक भारतवासी के लिए यह चिंतनीय विषय है कि हम कैसे इसको करेंगे और सामना कैसे करेंगे। चाइना ने कह दिया है कि हम वहाँ शांति स्थापित करने के लिए, सीमा पर स्थिरता कायम हो, इसलिए हम बुलेट ट्रेन चलवा रहे हैं। जियो शेर मतलब किस तरह से धूर्तापूर्ण आचरण करते हुए कह रहा है कि सीमा पर स्थिरता कायम होगी हमारे इस बुलेट ट्रेन के चलाने से। आप बताते चलें, यह हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, एक अंतिम भाग भूभाग है हमारे प्रदेश, हमारे देश का, और वहाँ आप जाएंगे तो आपको वीज़ा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट से अभिप्राय है कि अगर आपको कोई बुला रहा है तो एक पास बनेगा, पासपोर्ट शब्द हम न दे करके पास शब्द दे रहे हैं, पास बनेगा कि आप वहाँ 5 दिन रहेंगे, 6 दिन रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, किसके यहाँ रहेंगे, किस काम से आ रहा है, समस्त सूचनाओं का अंकन होगा। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे वैसे ही आपकी चेकिंग होगी, यदि आप अवैध यात्रा करते हुए पाए गए, अरुणाचल में आप घुस रहे हैं, तो आपके ऊपर अपराध दर्ज होगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह ट्रेन चलेगी। बताते चलें दोस्तों, 1 जुलाई को चाइना का शताब्दी समारोह है और उस समारोह को वो लोग जश्न पूर्वक मनाएंगे, क्योंकि एक बड़ा काम किया है। इसके पहले उन लोगों ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग, वहाँ का जो हाईवे है उसको, उन लोगों ने एक्सप्रेस हाईवे उसको भी 2018 में ही बना दिया था। यानी आप सड़क मार्ग से जाना चाहो, सड़क मार्ग से सीमा तक पहुंचो, और चाहो तो बुलेट ट्रेन का आनंद लेते हुए सीमा तक पहुंचो और अरुणाचल के करीब तक पहुंच जाओ। ब्रह्मपुत्रा नदी में जो हमारी सीमा है, नियंत्रण रेखा है, उससे 30 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुत्रा नदी पर चाइना ने एक पुल बनाया जिसकी लंबाई 525 मीटर है। इस पुल पर भी विवाद हुआ था लेकिन चाइना ने इसको कर दिखाया। रेल पटरियां समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर हैं उसकी। अब आप महसूस करिए, समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर उसकी रेल पटरियां और पहाड़ों से गुजरती हुई 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली वह बुलेट ट्रेन चाइना के लिए चाहे जितनी भी सुकून देने वाली हो, लेकिन भारतवासियों के लिए यह नींद उड़ाने से कम नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारी जो ट्रेनें हैं
उसकी भी बात करेंगे और आपसे हम बताएंगे दोस्तों कि जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था तो उस समय जो अरुणाचल के कुछ लोग थे उन लोगों ने चाइना के सैनिकों का सहयोग किया था, बताया था रास्ता, क्योंकि सुदूर पहाड़ियां, हम तो अरुणाचल गए भी हैं, उन दिनों में यूट्यूबर नहीं था कि मैं दिखा पाता आपको, लेकिन मैंने देखा है कि जब अरुणाचल में लोग जाते हैं और पास के आधार पर जाते हैं, तो हमने उस सुदूर क्षेत्रों को कुछ देखा, ईटानगर से जब ऊपर आप बढ़ेंगे तो वैसे वैसे वह सुदूर क्षेत्र आपको दिखेंगे, वहाँ के लोगों ने अपने आप को जोड़ लिया था, उसके साथ जोड़ा था, जोड़ने का मतलब यह है कि रास्ता दिखाया था, बताया था, सहयोग किया था कि ऐसे करना है। उसके बाद देशवासियों के सामने और हमारे जो सियासतदार हैं, जो सियासत कर रहे हैं, जो देश में शासन के महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं, उन्हें चिंता हुई और भारत के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान में वह चीज़ें जोड़ी गई जिसे फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से जानते हैं। हमारे नागरिक कर्तव्य क्या है, भारत और चाइना के युद्ध के बाद संविधान में वह चीज़ें जोड़ी गई, जो दो पन्ना जोड़ा गया है कि हमारे नागरिक कर्तव्य क्या है, हमारी मौलिक ड्यूटी क्या है, हम कैसे करेंगे अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन। तो ड्यूटी में कहा गया है कि हम राष्ट्र के प्रति किस तरह से हमारी भावनाएं उद्वेलित होंगी, हम राष्ट्र के राष्ट्रीय प्रतीक हमारा जो फ्लैग है, जो झंडा है, जो हमारा तिरंगा है, उसके प्रति हमारी प्रासंगिकता, हमारा भाव कैसा होगा, जो हमारे महापुरुष हैं उनके प्रति कैसा होगा, यह तमाम चीज़ें जोड़ी गई हैं, जिसमें बार बार जिस चीज़ का मैं उल्लेख करता हूँ कि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को भी उन चीज़ों में शामिल किया गया है, जिसमें नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, ऐसी चीज़ों को भी शामिल किया गया है, जल स्रोतों को शामिल किया गया है। ये हमारी ड्यूटी कम शब्दों में, लेकिन व्यापक अगर उसको देखा जाए, उसकी मीमांसा का अगर आकलन किया जाए, उसके विशेषांक को परिभाषित किया जाए, तो बहुत व्यापकता है इसके। दोस्तों अब चलते हैं, चाइना ने वह पहुंचा दिया, सड़क पहुंचा दिया, एक्सप्रेस हाईवे बना करके 2018 में ही पहुंचा दिया और लगभग 409 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में वह लोग तय करेंगे। अब अरबों रुपए से बनाए गए यह उनका जो यह बुलेट ट्रेन का है पथ और जो एक्सप्रेस हाईवे है, इसके बाद हम बात करते हैं। हमारी जो ट्रेनें हैं, शताब्दी 1988 में शताब्दी जवाहरलाल नेहरू के शताब्दी समारोह के अवसर पर शताब्दी ट्रेन का संचालन किया गया, जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह ट्रेन चलती है। राजधानी और शताब्दी दो अग्रिम पंक्ति की ट्रेनें हैं जिस पर हमें गर्व है, दोनों ट्रेनों की यही है लगभग 130 किलोमीटर, लेकिन जो भोपाल दिल्ली भोपाल शताब्दी है वह आगरा से लेकर के दिल्ली तक 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन वह एक ही ट्रेन है जिसे आप शताब्दी नई दिल्ली भोपाल शताब्दी के नाम से जानते हैं। जब आगरा से आगे बढ़ेगी तो उसकी गति सीमा 150 किलोमीटर प्रति घंटा की नहीं रहेगी, लेकिन दिल्ली से आगरा तक वह 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जाती है। अब हमारी और भी ट्रेनें आई हैं, बुलेट ट्रेन का सपना कब साकार होगा मुझे नहीं कहा जा सकता, लेकिन यात्रियों को ढूंढने के लिए, हमें चलने के लिए बुलेट ट्रेन का सपना साकार हो न हो, हम उससे बहुत हमारे सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सीमा तक जाने के लिए, हमारे सैनिकों को जाने के लिए, हमारे जो अग्नियास्त्र हैं, जो हमारे प्रक्षेपास्त्र हैं, जो हमारे अत्याधुनिक हथियार हैं, जो हमारे सैनिक हैं जिनके बदौलत हमारी सीमाएँ सुरक्षित हैं, उनको गंतव्य तक पहुँचाने के लिए हमें बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है, हमें दुरंतों की आवश्यकता है, हमें वंदे भारत की आवश्यकता है, हमें शताब्दी और राजधानी की आवश्यकता है, जो पहाड़ पठार नदियां और सबको पार करते हुए द्रुतगामी तरीके से सीमा पर जाएं और शत्रु को यह एहसास कराएं कि हम कमजोर नहीं हैं। कमजोर लोगों पर गुस्सा आता है, सभी को गुस्सा आता है, चाइना की शक्ति से आज इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही आज हम कहें कि हम सामरिक दृष्टि से इतने मजबूत हैं, हमने पीछे खदेड़ दिया, ये सब फालतू की बातें हैं। हम पहले भी क्या नतीजा हुआ युद्ध में, अब बताने की आवश्यकता नहीं है।
कभी कभी कुछ मित्रों को लगेगा आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। अरुणाचल मैंने जा करके देखा है, हमारे सैनिकों को पता नहीं था कि किधर से रास्ता है, कैसे जाएंगे। हमारे सैनिक उलझ गए थे, बुरी तरह से हमारे सैनिक मार खाए थे। हमारे सैनिकों ने जान की बाजी लगाया, लेकिन जान की बाजी लगा करके अगर आपके पास हथियार नहीं, आप दाव नहीं जानते हैं तो होगा क्या? सीना खोल करके खड़े हो जाइए, चलाओ गोली, तो गोली तो आपको सीने में जाएगी ना, क्योंकि आपके पास कोई वह नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास बचाव का। कवच कुंडल जैसे पहले होता था, तो वह कवच कुंडल अब अत्याधुनिक समय में जो हमारा कवच कुंडल है वो हमारे पास नहीं है। सीना खोल करके जाएंगे तो जान ही नहीं जाएगा, और क्या होगा। तो भैया, इसलिए आवश्यक है कि हमारे जो अग्नियास्त्र हैं और जो हमारे सैनिकों के पहुंचने की क्षमता है वह बढ़ाई जाए। और यह जो ट्रेन चली है, निश्चित रूप से यह बहुत हमारे देश के लिए शोचनीय विषय है। और वह बड़े इत्मीनान से कह रहे हैं कि सीमा पर स्थिरता कायम होगी हमारे इस बुलेट ट्रेन से। यह समाचार पत्र सुर्खियों में नहीं आया, छोटा सा एक कालम का समाचार यह बन करके रह गया था। और बड़ा बड़ा समाचार, प्रशस्ति के समाचार वाचन किए जाएंगे, ऐसे समाचार पत्र पर कलम चलेगी। ऐसे ही जैसे उस समय जब इंदिरा गांधी ने अभी 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 हमने मनाया है, जिस तरह से हमारे जिन लोगों ने विरोध किया था उसके साथ किस तरह से बर्ताव किया गया था, जेल में ठूस दिया गया था, वो आपातकाल की स्थिति है। आज भी समाचार पत्र कुछ ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं, खुल करके ऐसे विषय पर भी देशवासियों के सामने यह स्थिति आनी चाहिए। आज भी अरुणाचल और भूटान के कुछ भूभाग पर, अनेक हिस्सों पर वह